कार्रवाई कर रही है पुलिस, लेकिन कई जगह से शिकायत निकल के आ रही है कि शादियों में जो शादी पार्टी हो रही है उसमें पुलिस अचानक पहुंच जा रही है और तराशी लेने लग रही है। इसे आम ये ऐसी शिकायतें पुलिस को मिली है कि शादी वगैरह के भी कार्यक्रम में कुछ लोगों को दारू पिलाने का इंतजाम रहता है, तो जब पुलिस को कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो उसके हिसाब से जा रहा है, तो इसके लिए तो किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी को चिंता नहीं करनी, जब करते ही नहीं है तो क्या दिक्कत है। और बहुत अच्छा है, कहीं के बारे में पता चला होगा तो पुलिस वाले को कहा गया, किया गया, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं, ये जानकारी हमको नहीं है, जो न्यूज आता है उसी को देखते हैं, उसके बारे में जानकारी और लेते हैं। आज भी जो आया है उसके बारे में हमारे कार्यालय से लोग पूछताछ भी कर रहे हैं, वो एक अलग विषय, लेकिन ये जिम्मेवारी उन्हीं को दी गई है, प्रशासन को और पुलिस को, सबको, कि एक एक चीज को देखिए। और जगह जगह पर इस तरह का जो करते हैं तो हर तरह से जो शराब पीने का, शराब का उपलब्ध करने का, ये बिल्कुल गलत चीज है और अनैतिक है, बिल्कुल गैर कानूनी है, तो इस पर रोक लगाना है और लोगों को जागरूक करना। कुछ लोगों में भय पैदा हो गया, चिंता हो रही है। नहीं, भय नहीं, ये तो खुशी होगी। आप देखिएगा अभी जो इसका जो शुरू हो रहा है और जो अभियान चलेगा, आप देखिएगा कुछ समय के बाद हम लोग समय तय करके पूरा का पूरा अभियान हम लोग सब जगह विभिन्न जगहों पर जाएंगे, कम से कम 10-12 जगह पर हम लोग जाकर के एक एक चीज पर बातचीत करेंगे लोगों के साथ, तो देखिएगा कि किस तरह से लोगों में और अवेयरनेस आएगी, तो काम शुरू।